नमस्कार, मी राजेश यावलकर लोकलावच्या विशेष संवादमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतो आहे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये देखील खूप संभ्रम असता, खूप भीतीचं वातावरण आहे. अशा स्थितीमध्ये आपण काय केलं पाहिजे, कोणाशी संपर्क साधला पाहिजे, कुठे प्रवेश घेतला पाहिजे, प्रवेश घेतल्यानंतर त्यात आपल्याला पुढे नोकरी मिळेल की नाही, आपल्याला नोकरी मिळाली तर ती टिकेल की नाही, टिकली तर ती पुढे चालेल, असे अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनात आहेत. जे विद्यार्थी पासआउटहून बाहेर पडत आहेत त्यांच्या मनात तर अजूनच जास्त भीती आहे की मी तर कॉम्प्युटर इंजिनियर झालो, पुढे काय, नोकरी मिळेल की नाही मिळेल, ही अशी संभ्रमावस्था, भीतीचं वातावरण या सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये. आज आपण ह्याच विषयावरती संवाद करण्यासाठी SSBT कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी, जळगावमधलं बंभरी ज्याला कॉलेज म्हणून बघितलं जातं, म्हटलं जातं, अशा या कॉलेजच्या कॉम्प्युटर विभागाचे प्रमुख डॉक्टर GK पटनाईक यांना आज आपण आमंत्रित केलं आहे. डॉक्टर GK पटनाईक, मी आपल्या या लोकलच्या स्टुडिओमध्ये मनापासून स्वागत करतो. नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर GK पटनाईक हे कॉम्प्युटर विभागाचे प्रमुख आहेत. SSBT कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग या विभागातील कॉम्प्युटर विभाग हा प्रगल्भ विभाग आहे. या विभागामधून विद्यार्थी पासआउट झाल्यानंतर नोकरीसाठी त्याला वणवण फिरावं लागत नाही, पण आत्ता मात्र कोरोनाची स्थिती आहे. मग अशा स्थितीमध्ये काय परिस्थिती राहील, ही सगळी भीती काढण्यासाठी आणि या संदर्भात काय परिस्थिती राहणार आहे हे सगळं सांगण्यासाठी आपण पटनाईक साहेबांना आज या ठिकाणी आमंत्रित केलेलं आहे. मी पटनाईक साहेब, आपल्याकडनं पहिल्यांदा असं जाणून घेईल की आत्ता जी कोरोना, कोविड 19 हा सगळा जो गेल्या 4 महिन्या 6 महिन्यापासून आपण बघतो आणि पुढच्या काही 6 महिने तो कमी होईल असं चित्र नाही, अशा सिच्युएशनमध्ये कॉम्प्युटर इंजिनियर यांच्या मनामध्ये मात्र आता खूप भीती आहे. पहिले सुरुवातीला कॉम्प्युटर इंजिनियरला खूप मोठं स्थान आहे, त्याला कोणत्याही प्रकारची मर नाही म्हणून प्रत्येकाने त्यामध्ये प्रवेश घेतला, प्रवेश घेऊन ते पासआउट होत आहेत. आणि अशा सिच्युएशनमध्ये, आत्ता अशा परिस्थितीमध्ये या सगळ्या कॉम्प्युटर इंजिनियरच्या मनामध्ये प्रचंड भीती आहे की मला जी नोकरी मिळालेली आहे ती नोकरीचं पुढे काय होईल, मी आता घरी तर बसणार नाही, मी झालं मोठा लाख ह्याच्याने कॉम्प्युटर इंजिनियर झालो, पुढे काय काय, तुम्ही या संदर्भात या सगळ्या कॉम्प्युटर इंजिनियरला काय सांगाल? जो आपले विद्यार्थी हैं, पर्टिक्युलरली कॉम्प्युटर इंजिनियरिंग के विद्यार्थी और जो दर्शक आज हमें यहाँ देख रहे हैं, मैं सभी को ये कोविड के कारण नौकरी में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या दिक्कतें हैं, ये सभी का मन में जो शंका है, ये शंका मैं आपको दूर करना चाहूँगा. इसमें मैं दोनों साइड बताऊंगा कि कोविड के पहले क्या सिचुएशन था और कोविड के बाद नौकरी में क्या सिचुएशन होगा, ये दोनों बाजू मैं आपको बताना चाहूंगा. कोविड के पहले जो सिनारियो है तो कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको पहले बताऊंगा. वो स्टैटिस्टिक्स में ये हमें समझ में आता है कि जितने भी इंडिया में कंपनीज हैं उनका एक सर्वे लिया गया था एंड वो सर्वे के हिसाब से ये निकला कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अराउंड 31% कंपनी का ये राय है कि उनको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स चाहिए उनके कंपनी में, जबकि 26% कंपनीज का ये मानना है कि उनको कोई भी ग्रेजुएट चलेगा. इसका मतलब ये होता है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का ज़्यादा ज़रूरत है आज भी इंडिया में. उसके साथ अगर आप देखेंगे अपने इंडिया में लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल पास होते हैं, और उसके साथ अगर आप देखेंगे इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये खाली 2.5% है. एंड ये 2.5% में जो ग्रेजुएट्स हैं उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 16% है. फिर भी इसमें एक ताजुब की बात ये है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है, अगर आज के ज़माने में हम मेल और फीमेल को कंपेयर करते हैं, मेल आजकल थोड़ा पीछे जा रहा है,
फीमेल का जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है आज 47% है, जबकि मेल का जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है आज 46% है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनका इस कंट्री में बहुत ज़रूरत है। दूसरा, पर्टिकुलरली जो फीमेल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अभी जो मैंने बताया कि 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हर साल अपने इंडिया में पास हो रहे, वो 15 लाख में से 2.5 लाख ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। हर साल 2.5 लाख कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास हो रहे। अभी एक आर्टिकल आया था, कोविड से पहले की बात है, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए नया नौकरी कितने आएंगे। तो वो आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने एक स्टडी किया एंड उन्होंने एक स्टेम करके फील्ड है, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये सारे को अगर कंबाइन किया जाए जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो अगले 2-3 साल में पूरे वर्ल्ड में 5 लाख नए नौकरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आने वाला है। लेकिन इसमें खासियत बात ये है कि हमारे जो इंडिया के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो पूरे दुनिया में ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो 5 लाख जो नए नौकरी कंप्यूटर इंजीनियर्स को निकलने वाले हैं उसमें से ज़्यादा अपने इंडिया के कंप्यूटर इंजीनियर्स को नौकरी मिल सकता है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके कारण अगर कोविड के बाद जो सिनारियो होगा, अभी जैसे कोविड चल रहा है, काफ़ी दिक्कतें हैं, सभी के मन में शंका है, तो कोविड के बाद जो सिचुएशन होगा, मुझे ये लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियर्स के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ेगा। कोविड से पहले तो ये 5 लाख था ऑल ओवर वर्ल्ड, बट मेरा अनुमान ये है कि कोविड के बाद ये 5 लाख लगभग 10 लाख तक जाएगा। ऐसा क्यों, उसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि ये कोविड के सिनारियो में अगर आप देखेंगे, आज भी ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हैं, या तो वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हैं या तो ऑनलाइन यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एक जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है उसको अपने को ऑनलाइन करना है, और जो ऑनलाइन अवेलेबल है लेकिन जो आम पब्लिक उसको यूज़ नहीं कर रहा है, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण हमें उस चीज़ को दोबारा रीडिज़ाइन करना है, ताकि ये सारे जो हैं आगे पोस्ट कोविड सिनारियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे सकें आम पब्लिक को, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मेंटेन करते हुए अपने को जो काम करना है वो सारे काम हम आराम से कर सकते हैं। तो उसके कारण ये जो ऑनलाइन करना है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर इंजीनियर्स का रोल इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे ऑनलाइन कोलैबोरेशन। अभी जैसे हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हर कोई अपने अपने घर से काम कर रहा है, लेकिन आपस में तालमेल अगर चाहिए तो कोलैबोरेशन चाहिए, तो कोलैबोरेशन ऑनलाइन हो सके, मतलब आप आपके घर पे रहिए और जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं वो सारे आपस में ज्वाइन करें और कोलैबोरेटिवली काम करें। दूसरा एक पॉइंट एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, जो ऑनलाइन टीचिंग है, अभी आप देख रहे हैं कि हर स्कूल में ये ज़रूरी हो गया कि ऑनलाइन टीचिंग हो, उसी टाइप का ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हमें और अच्छा डेवलप करना है, जिसके लिए कंप्यूटर इंजीनियर्स की ज़रूरत है।
तीसरा एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स को हमें वर्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अभी उसमें अगर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जो किताबें हैं तो किताबें आपको फिजिकली खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो किताबें मैं ऑनलाइन कर दिया तो वो वर्चुअल प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कोविड के बाद हमें यूज़ नहीं करना है, तो उसको हमें सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लाना बहुत ज़रूरी है, एंड उसमें कंप्यूटर के इंजीनियर्स के जो हैं रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा कि होम डिलीवरी, जैसे आप देख रहे हैं आजकल आप अपने घर पे सुरक्षित हैं, आप अपने घर पे सुरक्षित रहते हुए भी आपको जो सामान चाहिए तो वो आपके घर पे डिलीवरी हो, जैसे आपका हो गया न्यूज़पेपर, दूध वाला, सब्जी वाला, आपको कोई राशन चाहिए, तो ये तो शुरुआत है जो हमारा दैनंदिन दिवस में ये सारे चीज़ लगने वाली है। तो ये सारे चीज़ का होम डिलीवरी सिस्टम पूरा डेवलप होना अभी बाकी है जो कंप्यूटर इंजीनियर्स कर सकते हैं। अभी एक जो नया चीज़ अभी एक आ रहा है जो आगे हमें बहुत ज़रूरी पड़े होगा वो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। आज अगर आप देखेंगे जितने भी कंपनीज हैं उसमें काफ़ी मशीन्स लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन मतलब इंसान को जाके उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, लेकिन कोविड के बाद इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी दूसरों के कॉन्टैक्ट्स में ना आए, क्योंकि उन इंसान को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कारण हमें क्या चाहिए कि जो इंसान है इंसान का रोल धीरे धीरे कम कर दिया जाए और जितने भी मशीन्स हैं वो आपस में ही कम्युनिकेशन शुरू करें, इसका डेवलप होना अभी भी बाकी है हमारे इंडिया में, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा हेल्थ केयर सिस्टम। अभी भी आप देखेंगे हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया में अभी अवेलेबल है वो उतना ऑनलाइन नहीं हो सका है, लेकिन उसमें हमें आगे और उसको ऑनलाइन करना है, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियर्स का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा। ये सारे एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए काम बहुत ज़्यादा है इंडिया में, आज भी जितना एक्सपेक्टेड है उतना अभी तक हमने नहीं कर सके हैं। तो नौकरी कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा आगे और बढ़ने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख प्रेडिक्ट किया गया था कोविड से पहले, लेकिन कोविड के कारण जब ये सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने को जो सारे चीज़ ऑनलाइन करना है, तो ये 5 लाख जो नौकरी होने अवेलेबल होने वाली थी वो 5 लाख अभी 10 लाख हो जाएगा, जिसमें अपने इंडिया के कंप्यूटर इंजीनियर्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोल रहेगा, क्योंकि अपने इंडिया में मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये सबसे अच्छा माना जाता है, जिसके कारण हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स बहुत अच्छा उसमें कर सकते हैं और सोसाइटी के लिए सारे नया ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। इसमें एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये है कि फ्रेशर्स, जो सबके मन में जो शंका है कि अभी जो इंजीनियरिंग में पास होंगे उनका क्या, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फ्रेशर्स हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स फ्रेशर्स हैं उनके लिए उल्टा बहुत ज़्यादा नौकरी मिलने वाला है। उसके पीछे भी कारण है, अभी आप देखेंगे कि कोई अगर सेटअप है किसी भी कंपनी में, जो सेटअप है वहाँ पे जो कंप्यूटर इंजीनियर्स अभी काम कर रहे हैं, सभी कंप्यूटर इंजीनियर्स अभी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर इंजीनियर्स की वहाँ ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कंप्यूटर इंजीनियर घर पे बैठ के काम कर सकता है, जबकि दूसरे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मशीन के साथ या किसी इक्विपमेंट के साथ उनको इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसा है कि वो हर वक्त घर पे बैठ के भी काम कर सकता है।
तो उसमें कंपनी का फायदा ये है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी को कोई रिनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नए कंप्यूटर इंजीनियर्स को रिक्रूटमेंट के बाद अभी। लेकिन इसके साथ अगर आप एक्सपीरियंस्ड जो हैं ऑलरेडी, मान लीजिए कंप्यूटर इंजीनियर हैं, पिछले 4-5 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या सिचुएशन होगा? अभी क्वाइट नेचुरल है कि अगर कोई इंजीनियर जहाँ पर सोशल कॉन्टैक्ट्स जरूरी है, ऑब्वियसली वो चीज़ अभी बंद हो जाएगा। अभी उनको एक नया तरीका ढूंढ के निकालना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो काम को कैसे किया जा सकता है। तो उस कारण हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, उनको जॉब प्रोफाइल चेंज करने पड़ेंगे और नए नए तरीके उनको सीखने पड़ेंगे, ताकि वो भी कोविड के सिनारियों के बाद सर्वाइव कर सकें। एंड ये जो वर्क फ्रॉम होम है, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ही है जो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो उसमें सभी का फायदा है, कंपनी का भी फायदा है और इंडिविजुअल्स का भी फायदा है। इंडिविजुअल्स का फायदा ऐसा है कि वो घर पे रहते हुए भी मल्टीपल जॉब्स कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही जॉब में ही काम करे। तो कोविड के बाद ये सिनारियो आएगा कि एक कंप्यूटर इंजीनियर मोर देन वन नौकरी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल जॉब प्रोफाइल्स। तो साइमल्टेनियसली वो मल्टीपल जॉब को हैंडल कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कल चल के ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बढ़ेगा, ताकि आपका जो एक्सपर्टाइज है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो एक्सपर्टाइज है वो मल्टीपल जॉब प्रोफाइल में साइमल्टेनियसली काम हो सकता है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि कोविड के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जो नौकरी आगे और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसीलिए मेरे हिसाब से डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आपने ये तो डर निकाल दिया कि अभी कंप्यूटर इंजीनियर्स बहुत बहुत बड़े पैमाने पे लगने वाले हैं, लेकिन जब ये लगेंगे तब उनके लिए इंटरव्यू होना जरूरी है। पहले हम जाता है उसके, आप जब बताते समय ये भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या महत्व है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है, कंप्यूटर इंजीनियर करके नौकरी को जाना है। तब उस दरमियान जब इंटरव्यूज होते थे तब हम जाकर के इंटरव्यू दे सकते थे, अब हमारे डर में, हमारे मन के अंदर ऐसा डर है कि हम इंटरव्यू जाएं कैसे, कहां जाएं, कहां मिले, किससे मिले, कैसे इंटरव्यू दें और कैसे नौकरी को ज्वाइन हुए, क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे? हर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके मन में ये शंका है, एंड वो हमसे आके काफ़ी बार बात भी करते हैं कि सर आगे क्या, हमें कैसे तैयारी करना है ताकि आगे हमें नौकरी जल्द से जल्द मिल सके। अभी इतना तो श्योर है कि कोविड के कारण जो इंटरव्यू प्रोसेस पहले फॉलो होता था, अभी शायद वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाएगा। तो जो नया प्रोसेस होगा कोविड के बाद, उसके लिए जो तैयारी हमें चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो अपना खुद का क्वालिटी इम्प्रूव करें। हमारे SSBT इंजीनियरिंग कॉलेज में, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, हम हमारे स्टूडेंट्स को जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेस हैं, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेस एज ए पार्ट ऑफ इंटर्नशिप हमने उनको कंपल्सन किया है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट वो इंटर्नशिप या ऑनलाइन कोर्सेस कंप्लीट करता है और उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, एंड वो सर्टिफिकेट मार्केट में काफ़ी महत्व रखेगा जो उनको नौकरी के लिए मदद करेगा। ये ऑनलाइन कोर्सेस के साथ साथ हम जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो ये देखता है कि वो स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन कोर्सेस ज्वाइन करेगा वो ऑनलाइन कोर्सेस में प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट होना
जरूरी है। तो हम हमारे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ये एनकरेज करते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें जिसमें लाइव प्रोजेक्ट हो या स्टाइपेंड मिले, ताकि ये दोनों अगर साथ में है कोई कोर्सेस में तो उसमें मार्केट का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, इसमें एक तैयारी के हिसाब से एक अगर देखा जाए तो वर्चुअल इंटरव्यू, क्योंकि आगे चल के जो पहले आपका होता था कि पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू होता था, अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आगे चल के जो वर्चुअल इंटरव्यू होगा, मतलब आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे इंजीनियरिंग कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल में, ताकि बच्चों का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। एंड पिछले एक साल से हमने बहुत सारे कंपनीज के थ्रू ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू हमने करवाया है हमारे कॉलेज में, जहाँ पे पूरा हमारे कॉलेज में वर्चुअल इंटरव्यू के लिए पूरा एक सेटअप है, जो हमारे स्टूडेंट को पता है कि वर्चुअल इंटरव्यू होता कैसे क्या है, ताकि वो अपनी तैयारी हो कर सकें। नाउ वर्चुअल इंटरव्यू के टाइम पे जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स का रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जिसमें हर स्टूडेंट हर फैकल्टी के साथ या आपस में भी इंग्लिश में बात करता है, और इंग्लिश में जो बात करना है ये एक हैबिट है। ये हैबिट अगर हमने उनको डलवा सके तो नेचुरल थिंग है कि इंटरव्यू में भी वो काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कंपनी वाले जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका इंग्लिश फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है, और वो इंग्लिश फ्लुएंसी एक दिन में नहीं हो सकता, दो दिन में नहीं हो सकता, ये एक डेली हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमने एक तरह का कंपल्सन किया है सारे स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश में ही बात करें, और वो चीज़ वो बच्चे अपने घर तक भी लेके गए हैं। आज भी मुझे ऐसा पता चलता है कि पेरेंट्स जब हमें बोलते हैं कि सर हमारा लड़का हमसे इंग्लिश में ही बात कर रहा है, मराठी में या कोई दूसरे भाषा में बात ही नहीं कर रहा है, मैंने उनको समझाया इसका महत्व क्या है, क्योंकि नौकरी के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए इंग्लिश में बात करना, वो जो कॉन्फिडेंस होना वो बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्फिडेंस के कारण उसका जो वर्चुअल इंटरव्यू होगा वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। एक चीज़ जो हमारे यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कंफर्ट जोन से सभी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट कंफर्ट जोन में रहा तो वो कल चल के कंपनी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो कंफर्ट जोन में बाहर निकालने के लिए ये डिपार्टमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उन बच्चों को कंफर्ट जोन में निकालने के लिए सारे जो चाहिए वो हम वहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जो रोल नंबर्स हम असाइन करते हैं, क्लास का जो रोल नंबर्स हम असाइन करते हैं, वो उनके आपस के ग्रुप के हिसाब से रोल नंबर हम असाइन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली उनका सॉर्टिंग करते थे, अल्फ़ाबेटिकली जो जिसका नाम आया तो उनका रोल नंबर हमने उनको वैसा असाइन किया। एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट ग्रुप का जो फॉर्मेशन है तो वो उनके मर्जी से हम करने नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट ग्रुप का जो ग्रुप फॉर्मेशन है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से बनाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके के लोगों से मिले और ये सीखे कि अलग तरीके के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि कंपनी में जो टीम फॉर्मेशन होता है ये एक को पता नहीं रहता कि सामने वाला कैसा है, तो वो जो एक्सपोजर है हम उनको यही डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम उनको वो देते हैं, ताकि उनका एक मेंटल टफनेस बनता है
एंड वही कारण है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद हमने जो कोविड के बाद जो नौकरी के लिए जो सबसे ज़्यादा मदद करने वाले हैं वो है अलुमनाई। अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं और उनका अलुमनाई के साथ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो घर पे है और उसको नौकरी के लिए स्पेसिफिक जगह पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस केस में अलुमनी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो उसके लिए हमारे जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है, हम बहुत सारे अलुमनी हैं उनके टॉक अरेंज करते हैं ताकि वो हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। और हमने एक लिंक्डइन में भी एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं एंड अलुमनाइज हैं उनके साथ आपस में प्रोफेशनल इंटरेक्शन हो सके। सो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अलुमनी को टेक्निकली कनेक्ट करने में हमें मदद करता है। एक बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले सिनारियों में अलग था और अभी के सिनारियों में अलग है। तो मेरा सारे जो विद्यार्थी हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए नौकरी तो बहुत है, लेकिन एक रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जो बायोडाटा बनाते हैं या रिज्यूम बनाते हैं, जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो रिज्यूम एक ही टाइप का बनाता है और वो हर कंपनी में देता है वही कॉपी। लेकिन आज के कोविड के बाद वो नहीं चलेगा। कोविड के बाद आपको जो नौकरी के लिए अप्लाई करना है वो बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना है। तो जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है तो वो कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ या जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको आपका बायोडाटा बनाना ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि एक ही टाइप का बायोडाटा आप बनाते थे और वो बायोडाटा आप सारे कंपनी को देते थे, लेकिन आज के ज़माने में हर कंपनी के लिए आपको अलग टाइप का बायोडाटा बनाना पड़ेगा और उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, वो आपका होता है क्वालिटी। तो हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पिछले साल हमने जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्लेस हो गए, तो हमने एक प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेशन रखा था। तो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेशन में जो ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे प्लेस्ड हैं, उन बच्चों ने उनके जूनियर्स स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया एंड वो ट्रेनिंग में उन्होंने ये सिखाया कि बायोडाटा कैसे बनाते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बायोडाटा कैसे बना सकते हैं। एक कोविड के बाद जो नया सिनेरियो आया है उसमें एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इससे पहले क्या होता था कि हम लोग जो स्टूडेंट हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन इसके कोविड के बाद जॉब के बदले में अगर वो इनकम पे ज़्यादा ध्यान दे तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जहाँ पे वो अप्लाई करेंगे तो थोड़ा इनकम ओरिएंटेड आपको सोचना है। इनकम ओरिएंटेड सोचना है इन द सेंस, मेरा ये कहना है कि अगर आपको सैलरी कम मिला तो भी चलेगा, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करिए, और एक बार आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब किए तो आगे बढ़ने के लिए आपको पूरा रास्ता खुल जाएगा। फिर एक जो कोविड का है जो सोशल डिस्टेंसिंग का इश्यू है, तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिलेशनशिप डेवलप करें। तो जो स्टूडेंट हैं उनके कम्युनिटी में उनके कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने एक तरह का रिलेशन बनाए, ताकि जैसे अलुमनी मदद करते हैं उसी टाइप के उनके कम्युनिटी में उनके एरिया में उनके कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलेशन बना सके, ताकि वो नौकरी में आपको मदद कर सकें। ये लॉकडाउन है, अभी तक लॉकडाउन चल रहा था, अभी इसके बाद अनलॉक शुरू हुआ, लेकिन सभी स्टूडेंट अपने घर पे ही बंद है। लेकिन अपने घर पे बंद होते हुए भी
अपना स्किल, अपना नॉलेज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं वो आपको सारे ज्वाइन करना है, लाइव प्रोजेक्ट्स करना है, इंटर्नशिप भी करना है। तो जितना आप इसमें जल्द से जल्द कर सकें ताकि आपका बायोडाटा इम्प्रूव हो सके, ताकि उसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सके। ये कभी अपने मन में ऐसा मत सोचिए कि मेरे को जॉब चाहिए। ऐसा विचार आप कभी मत करिए। आपको ज़रूर अच्छी नौकरी मिलेगी अगर आपके पास क्वालिटी है, तो अगर आपके पास स्किल है तो आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी। और ये टाइम सही टाइम है जो आपका स्किल डेवलप करना, आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना, आपको ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना, आपको जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं वो सारे आज ऑनलाइन हो गया है, आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए, इंग्लिश में आप बात करिए। ये सारे चीज़ आपको ज़रूर नौकरी के लिए मदद करेगा। एंड एक और एक खासियत बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में कोविड के सिनारियों के बाद जो सिचुएशन होगा, उस सिचुएशन में आपको शो ऑफ करना बहुत ज़रूरी रहेगा। शो ऑफ मतलब दिखावा। दिखावा मतलब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई गलत चीज़ का दिखावा करिए, लेकिन आपके पास जो भी है आप लोगों को बताइए, लोगों को दिखाइए कि आपके पास टैलेंट कैसा है, आपके पास स्किल कैसा है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा अच्छी नौकरी के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आपल्या जवळ जर स्किल असेल तर आपल्याला नोकरी निश्चित मिळेल, आणि स्किल मिळवावं लागणार आहे तुमच्याजवळ, तुमचा आत्मविश्वास तुम्हाला मिळणं आवश्यक आहे, आणि तो जर मिळवायचा असेल तर SSBT कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचा कॉम्प्युटर विभाग किती सक्षम आहेत हे आपल्याला पटनायक सरांनी या ठिकाणी समजून सांगितलं। फक्त कॉम्प्युटर विभागच सक्षम नाही तर तुम्हाला कसं सक्षम व्हायचं आहे, मग ते मानसिकदृष्ट्या असेल की शारीरिकदृष्ट्या असेल की व्यावसायिकदृष्ट्या असेल की सगळ्याच दृष्टीने तुम्हाला जर सक्षम व्हायचं असेल तर पटनायक सरांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं तसं जर आचरण आपण आपल्या पूर्ण आयुष्यात जर केलं तर कॉम्प्युटर इंजिनिअरला कधी मर राहणार नाही। कधी म्हणजे त्यांनी तर सांगूनच दिलं की 10 लाखापेक्षा जास्त व्यक्तींना येणाऱ्या काळामध्ये कॉम्प्युटर इंजिनिअरची आवश्यकता भासणार आहे। मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने पटनायक सरांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो। आपण पाहत आहात लोक लाईव्ह, तुमच्या मनातलं नमस्कार। नमस्कार। आई प्लीज, मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाहीये, परफेक्शनसाठी खूप वेळ द्यावा लागतो। परफेक्ट नॉट 3 मिनिटं, साइड पार्टिंग 220 सेकंड्स, 5 मिनिटं, 6 मिनिटं, 4 मिनिटं, विचारूही नको। मग फ्रूटसाठी किती मिनिटे राहिली? 0। नवीन फ्रूट गो फ्रूट स्नॅक, शुद्ध फळं एका इझी स्क्वीझी पॅक मध्ये, आता मुलं फळं दाबून खातील। फ्रूट गो, दाबून खा। सॉरी।